हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो है एमएस वर्ड का डिजाइन मेन्यू। तो वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलें, अभी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। जी, सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड 2019, तो इसमें एक डॉक्यूमेंट मैंने पहले बनाया हुआ है वीडियो के नाम से। तो चलें, ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया और ये हमारा डिज़ाइन मेन्यू है। तो डिज़ाइन मेन्यू में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है थीम। तो थीम, जैसे हम अपने मोबाइल वगैरह में थीम सेट करते हैं, तो उसमें होता क्या है, तमाम फीचर्स खुद ब खुद सेट हो जाते हैं, कलर्स चेंज हो जाते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाता है। तो इसमें एमएस वर्ड में भी यही काम है कि इसमें क्या होता है, थीम हम सेट करते हैं, तो उस थीम के ज़रिए तमाम फॉन्ट जो है, कलरिंग स्कीम जो है, ये सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो ये देखें, जैसे ये मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इसमें एक तो टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहा है, और पीछे से बैकग्राउंड कलर्स वगैरह ये सारा कुछ चेंज हो रहे हैं। तो ये तो था थीम। अगर हम अलग अलग एक एक चीज़ को, यानी कि हम टेक्स्ट को अलग चेंज करना चाह रहे हैं, पीछे जो कलरिंग स्कीम है उसको अलग करना चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो हम इधर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, जैसे फॉन्ट स्टाइल है कि फॉन्ट राइटिंग स्टाइल कैसा लिखा हुआ है, ये हमने अगर चेंज करना है, तो हम इधर से ये तमाम फॉर्मेटिंग दी हुई है, इधर से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हमारा जो वीडियो का स्टाइल है और ये जो टेक्स्ट हमें लिखा हुआ है, इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसा कि इसका हमारे पास देखते हैं, इसका हमारे पास टाइम न्यू रोमन है, और अगर मैं इसका देखूंगा तो ये तमाम वीडियो के जो स्टाइल्स हैं, ये टेक्स्ट के जो स्टाइल हैं, इनमें स्पेसिंग वगैरह आ रही है, ये सारा कुछ चेंज हो रहा है। तो अगर हम अलग सिर्फ और सिर्फ कलर स्कीम चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो इधर इधर से हम कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ हमारा वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कलर स्कीम है वो चेंज हो रही है। तो इसमें जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये लास्ट हमारे पास है फॉन्ट। तो ये इस टूल से हम क्या करते हैं, अपने फॉन्ट को अगर आपने चेंज करना है अलग, सिर्फ हमने जो अपना फॉन्ट स्टाइल है और राइटिंग स्टाइल है वो चेंज करना है। तो देखिए, पहले हमारे पास टाइम न्यू रोमन था, अब ये हमारे पास थोमा है। तो देखें, इस तरह आप मुख्तलिफ अपनी मर्जी से जो आप रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। तो ये वाला देखते हैं, ये कौन सा है, ये हमारे पास सीरियल है। ऐसे ही ये तमाम आपका राइटिंग स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये ऑफिस का, ये ऑफिस 2007 to 2010 का है, जो कि बेसिक यूज़ होता है। तो वो हमारे पास कौन सा है, टाइम न्यू रोमन है। उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसमें क्या होता है, हम अपनी जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग वगैरह दी होती है, उसको हम बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और इधर से अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये देखें, ये बहुत ही टाइट है, और ये ओपन है, और इससे रिलैक्स्ड है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो पैराग्राफ लाइनों की जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे ऐसे फिर दोबारा मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद ये देखें डबल है। तो इसमें देखें, ये आपकी जो दो लाइंस लिखी हुई हैं उनके दरमियान स्पेस जो है वो डबल हो गई है। तो इसको मैं दोबारा से वैसे ही कर देता हूँ, अंडू कमांड के ज़रिए, कंट्रोल जी के ज़रिए। तो उसके बाद ये हमारे पास इफेक्ट्स हैं। तो ये इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ शेप्स वगैरह लगाई हों, तो उनके इफेक्ट को चेंज करने के लिए होता है। ये देखें, जैसे ये एक मैंने शेप लगाई हुई है, तो इधर से आप इसके इफेक्ट वगैरह अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। देखें, ये आपके इफेक्ट और शेडो वगैरह हैं, और ये हमारे पास ये लिखा हुआ सेट एज डिफ़ॉल्ट, आप इसको डिफ़ॉल्ट सेट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसी भी आप थीम अप्लाई करेंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट थीम है, ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी। और आगे हमारे पास ये टूल है वाटर मार्क का। तो इससे हम क्या करते हैं, अगर आपने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उसका वाटर मार्क लगाना है बैकग्राउंड पे, तो आप इधर से वाटर मार्क लगा सकते हैं। वाटर मार्क पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, तो पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं अल फुरकान साइंस अकेडमी का लोगो लगा के देखता हूँ, तो ये हमारा पिक्चर सेलेक्ट करेंगे इधर से हम। तो इधर ये हमारे पास इधर पड़ी हुई है अल फुरकान साइंस अकेडमी का लोगो पड़ा हुआ है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा,
और ओके करेंगे तो ये पीछे हमारा वाइट सा जो है वो ये लोगो आ गया। तो इसमें इसका मैंने कलर जो है वो पेज कलर वो रेड किया हुआ है, तो अगर हम नो कलर करेंगे तो ये आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा। अगर आपने इसका जो नज़र कम आ रहा है इसको आपने बढ़ाना है, तो इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे कस्टम वाटर मार्क पे और इधर से वॉश आउट कर देंगे और ओके करेंगे तो ये देखें आपको डार्क नज़र आना शुरू हो गया, यानी कि आपका जो वाटर मार्क था वो डार्क हो गया। ऐसे ही आपने कस्टम सेटिंग कस्टम वाटर मार्क से क्लिक करना है। अगर आप टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं, आप कोई पिक्चर नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो आप इधर से ऐसे क्लिक करके और आप अपना टेक्स्ट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी ये लैंग्वेज मैं करता हूँ उर्दू, और इधर से मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे अल्फुर्कान, साइंस एकेडमी। तो अगर मैं इसको ओके करूँगा तो ये पीछे हमारा हल्का सा अल्फुर्कान साइंस एकेडमी के नाम से वाटरमार्क आना शुरू हो गया। तो अगर मैं दोबारा इसको सेट करता हूँ, देखिए हमारे पास ये है, और इसका इधर से आप राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं लेट्स सपोज टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करता हूँ, तो टाइम न्यू रोमन आ गया। और इसको अगर आपने इसका साइज ऑटो करना है ऑटो कर सकते हैं, अगर आप अपनी मर्जी से रखना चाह रहे हैं तो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और ओके करूँगा तो ये देखिए आपको डार्क कलर में नज़र आना शुरू हो गया। तो अगर इसको आप ये ऐसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इसको आप अगर इसकी सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इधर से ये डायगनल था, अगर हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका हॉरिजॉन्टल ऐसे अल्फुर्कान साइंस अकेडमी वाटरमार्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये वाला टूल है, इसमें हम क्या करते हैं अपने पेज का कोई भी आप अगर कलर देना चाह रहे हैं तो आप अपने पेज को कलर दे सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी अगर जो आपकी पसंद है वो आप अपना कलर सिलेक्ट करें, और इधर से ये पेज का कलर लग गया। ये वाटर मार्क मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, डायगनल कर देते हैं, ओके करेंगे, और ये इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये सही नज़र आना शुरू हो जाए, क्योंकि हम मैंने पेज का कलर लगाया हुआ है। तो इधर से हम इसका कलर सिलेक्ट करेंगे और इधर से मैं फुल ब्लैक कर देता हूँ, और ये ऐसे नज़र आना शुरू हो गया। अगर फिर भी आप करना चाह रहे हैं चेंज तो इधर से आप चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे और ये उसके बाद हमारे पास लास्ट जो टूल है वो है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज को कोई भी किसी भी किस्म का बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये सिंपल स्टाइल्स हैं, या आप इधर से ऐसे क्लिक करें और ये आपका पेज बॉर्डर लग जाएगा। अगर आप इधर से करना चाह रहे हैं शेडो देना चाह रहे हैं तो आप इधर से शेडो वाला बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर आप इधर से 3D शेडो देना चाह रहे हैं 3D इफेक्ट भी आ जाएगा। और अगर आपने कोई कलर लगाना है ऑटोमेटिक कलर, इसका इसकी कलर चेंज करने हैं, आप इसका कलर वगैरह भी बॉर्डर का चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह की लाइंस नहीं लगानी है, आपने एक और इसकी सेटिंग है, आपने इसकी विड्थ जो है वो मोटी करनी है या कम करनी है, तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल लाइंस नहीं लगानी है, आपने लेट्स सपोज आर्ट लगाना है, तो आप इधर से आर्ट नाम के ऑप्शन से आप कोई भी आर्ट इधर से सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आपका ये एक आर्ट भी लग गया है। तो ये हमारे पास एमएस वर्ड का डिज़ाइन मेन्यू था, और इसमें हम जो है जो टूल्स यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।